नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कक्षा 11th की बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने बात की थी कि जो संविधान है वो क्या है, संविधान किस तरीके से निर्माण का जो कार्य हो रहा है वो किस तरीके से हुआ, भारत के संदर्भ में संविधान की क्या स्थिति है, क्या अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के अंतर्गत संविधान है, यदि है तो क्या उन राष्ट्रों के अंतर्गत लोकतंत्र सफल हुआ, इस चीज के ऊपर हमने बात की थी। मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि जो संविधान है उस संविधान के बेसिक कार्य क्या है, संविधान किस तरीके से है वो समाज के अंतर्गत कार्य करता है, समाज राष्ट्र देश राज्य के अंतर्गत है वो किस तरीके से समन्वय का कार्य कर रहा है, किस तरीके से है वो लोगों के अंतर्गत विश्वास बहाली का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो इतने तक है वो चीजें पढ़ी थी। बेसिक बेसिक हमने जो चीज पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि संविधान क्या है, ये चीज पढ़ी थी, यानी परिभाषा बताई थी संविधान क्या है। मैंने आपको बताया था कि एक कानूनी दस्तावेज है, एक कानूनी दस्तावेज क्या है, कानूनी लीगली डॉक्यूमेंट है, एक कानूनी दस्तावेज मैंने आपको बताया था, जिसके द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों, किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, क्या होता है शासन व्यवस्था चलाई जाती है। जैसे भारत का एक संविधान है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है और उसके द्वारा क्या हो रहा है, भारत देश की शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा इसमें बात की थी कि संविधान की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, इसलिए आवश्यकता पड़ी कि किसी राष्ट्र की वृहद भौगोलिक क्षेत्र वृहद जनसंख्या को एक समान रूप से शासन व्यवस्था चलाने हेतु है, वो हमें संविधान की आवश्यकता हुई। हमने पढ़ा था कि संविधान के जो कार्य है वो क्या है, मैंने आपको चार महत्वपूर्ण कार्य बताए थे कि संविधान है वो समाज के अंतर्गत एकता और समन्वय का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, समन्वय लाएगा और क्या करेगा, एकता लाएगा। संविधान है वो सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करेगा, क्या कोई सरकार किस तरीके से है वो कार्य कर रही। तो ये बेसिक मोटे तौर पे हमने है वो बात की थी। आज जो हमारा बिंदु होगा वो होगा संविधान की जो कार्य विधि, यानी संविधान है वो किस तरीके से है वो कार्य कर रहा है, उसकी क्या स्थिति है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो संविधान की कार्य विधि को देखने की कोशिश करेंगे कि संविधान है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। प्यारे बच्चों, संविधान जब कार्य निर्माण का काम हुआ, कार्य विधि का मतलब है कि संविधान बनाने का जो कार्य है वो किस तरीके से हुआ, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि संविधान बनाने हेतु हमने क्या किया था, एक कैबिनेट मिशन करके भारत आते हैं और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर है वो हमने संविधान सभा गठित की थी। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किसको गठित किया था, संविधान सभा, किसको था, संविधान सभा को, और उस संविधान सभा ने भारत का क्या किया, संविधान निर्माण का काम किया, उस संविधान सभा ने वो संविधान बनाने का काम किया। तो ये स्थिति, अब इसकी कार्य विधि को देखेंगे। मैंने आपको जो कल पिछली क्लास में बताया था वो स्वरूप बताया था कि किस तरीके से इसका चुनाव होता है, कौन कौन पार्टियों को कितना क्या है, स्वरूप का मतलब हुआ उसकी स्थिति कैसी थी, तो ये उसकी चुनाव प्रणाली की वो बात हुई थी। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें लोग कौन कौन थे, किस तरह की समितियां गठित हुई थी, उन समितियों के कौन कौन अध्यक्ष थे, कितने समय अवधि में है वो संविधान बनकर तैयार हुआ, कार्य और विधि, यानी कार्य अवधि उसकी कितनी थी, किस समय अवधि में है वो संविधान कंप्लीट होने का कार्य कर रहा है। प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए तो हमारे जो भारत के संविधान निर्माण के लिए है वो अलग अलग क्या थी, समितियां गठित थी, अलग अलग कमेटियां गठित हुई थी। अब आप कहोगे सर कमेटियां क्या है, कमेटी क्या है, कोई कार्य करना, जैसे कि स्कूल के अंतर्गत मुझे आरटीआई के तहत कुछ बच्चों का निःशुल्क एडमिशन करना है, कुछ बच्चों को है वो फ्री सर जो एडमिशन देना है स्कूल के अंतर्गत, हमने क्या किया, एक समिति गठित की, एक समिति है वो गठित की और वो आरटीई समिति जो होगी निःशुल्क बच्चों को एडमिशन देने हेतु एक कमेटी होगी, उस कमेटी में क्या होगा, यानी कुछ लोगों का समूह होगा, उसमें 4-5 लोग होंगे और उनका पर्टिकुलर काम ही क्या होगा, उन बच्चों से संबंधित हैं वो काम करेंगे, उनका एडमिशन देना, उनकी पढ़ाई जैसी व्यवस्थाएं, तो वो क्या कर रही, एक समिति कर रही। उसी तरीके से संविधान बनाने हेतु भी क्या हुआ था, अलग अलग समितियां हैं वो गठित की और तकरीबन कितनी थी, 8 के आसपास हैं वो समितियां गठित की गई थी और उन समितियों के अलग अलग हैं लोगों ने अध्यक्षता की थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हैं वो अलग समिति के गठित मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे, सरदार पटेल थे, सरदार पटेल अल्पसंख्यक समिति है और मूल अधिकार समिति उसके अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक व मूलाधिकार, बताऊंगा मैं आपको आगे कि मूल अधिकार क्या होते हैं।
उसके थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो संविधान की प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति यानी संविधान का ड्राफ्ट बनेगा। जैसे एक किताब लिखनी है मुझे, तो किताब की एक पूरी संरचना बनाऊंगा कि कौन सा अध्याय कहाँ पर होगा, संविधान क्यों और कैसे अध्याय किस तरीके से होगा, मूल अधिकार का अध्याय क्या होगा, उसमें क्या क्या संरचना डालनी होगी। तो बेसिक जो काम था वो प्रारूप समिति का यही काम था कि संविधान का प्रारूप है वो किस तरीके से तैयार करें। इसके लिए अलग अलग कमेटियां हैं वो गठित की गई, और कितनी कमेटियां हैं प्यारे बच्चों, तकरीबन 8 के आसपास हैं वो हमें कमेटियां गठित की गई थी। नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन कमेटियों की क्या की थी प्यारे बच्चों, अध्यक्षता की थी। तो मैंने कहा कि 8 के आसपास समितियां थी, प्रत्येक समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे, जैसे जेएल नेहरू थे, फिर जवाहरलाल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यक और मूल अधिकार करके समिति उसकी अध्यक्षता करते, तो ये लोग हैं वो अलग अलग समितियों के क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। फिर ये तो कमेटियों के रहे, अब संविधान सभा थी, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है वो स्थायी बनाया गया था। कब बनाया गया था, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र बाबू को है वो संविधान सभा का क्या बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यदि आप देखोगे कि साहब स्थायी बनाए तो उससे पहले क्या था, उससे पहले है वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे। कब, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, कब होती है 9 दिसंबर 1946 को, कब होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उस बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। पहली बैठक हुई तो उस समय देखा भाई कैसे अध्यक्ष बनाया जाए, किस तरीके से निर्वाचन हो, तो साहब कहा कि ऐसा तो कोई क्या सिस्टम इंक्लूड किया जाए। तो तात्कालिक रूप से क्या किया कि जैसे आपकी कक्षा है, अब उस कक्षा की कोई मॉनिटर होगा वो पूरी कक्षा की अध्यक्षता करेगा, उस तरीके से संविधान है तो संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा के लिए भी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, और उसके लिए 9 दिसंबर को जो पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और उसके अस्थायी यानी स्थायी पूर्ण रूप से नहीं होंगे, 2-3 दिन के लिए काम तलब काम करेंगे, कौन करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे, ठीक है। और फिर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं वो 11 दिसंबर को किसको बना दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हैं वो संविधान सभा के हमने स्थायी अध्यक्ष बना दिए, ताकि संविधान सभा क्या कर सके बच्चों, संविधान का निर्माण कर सके, क्या कर सके, संविधान का निर्माण। फिर संविधान को बनाने में हमें दो वर्ष का समय, 11 माह और 18 दिन का है वो समय लगे। आपसे पूछा जाएगा छोटे सवाल के रूप में कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो आपको बताना होगा कि संविधान बनाने में जो समय लगा है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक तकरीबन करके संविधान है वो भारत का बनकर तैयार हुआ। और इसके लिए तकरीबन है वो 166 के आसपास है वो बैठक, यानी 166 बार है वो हमारे नेताओं की जो मंडली है उसने बैठकर ये चर्चा की कि भाई किसमें या क्या क्या प्रावधान होंगे, संविधान किस तरीके से स्वरूप होगा, मूल अधिकार किस तरह से काम करेंगे, निदेशक तत्वों की क्या व्यवस्था होगी, न्यायपालिका कैसे कार्य करेंगे, चुनाव किस तरीके से होगी, जनता के अधिकारों को किस तरीके से हैं वो इंप्लीमेंट किया जाए, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था किस प्रकार की होगी। तो वो सारी के सारी और बैठकों में ये डिसाइड करके कहा कि भाई किस तरह से काम होगा, तो उसमें कितनी थी, 166 के आसपास है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, इतनी बैठकें होती है। तो ये क्या था, ये कार्यविधि थी, ठीक है। तो ये कार्यविधि तो हमने पढ़ ली, बात क्या है, बात यह है, इस बात को आप साधारण समझो में समझिए कि संविधान सभाएं उसके लिए संविधान बनाने का काम कर रही हैं, तो उसकी कार्यविधि क्या थी, कितने समय में क्या क्या काम हो रहे हैं उसको एक एक संविधान सभा जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वह क्या है बच्चों, अस्थायी अध्यक्ष। फिर क्या किया, फिर 11 दिसंबर को जो बैठक होती है उसमें हमने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया। फिर संविधान बनाने हेतु अलग अलग कमेटियां थी, 8 के आसपास कमेटी, और उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण थी वो प्रारूप कमेटी जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। संविधान बनने में समय तकरीबन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, और 166 के आसपास क्या हो रही है, बैठकें हो रही है। तो ये तो हो गया आपकी कार्यविधि। दूसरा जो आज का हमारा इस टॉपिक में है महत्वपूर्ण बात है कि वो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव उनको समझिए प्यारे बच्चों। उद्देश्य और प्रस्ताव दो बात है, इस शब्द को आप समझने की कोशिश कीजिए। उद्देश्य क्या है कि हम एक संविधान बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हम संविधान बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है संविधान के अंदर। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका क्या लक्ष्य है,
आपका उद्देश्य क्या, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, और यदि उद्देश्य तो आप उसके लिए योजना अवधि तो बनाओगे कि साहब ये होगा। तो इसी तरीके से हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होगा, हम संविधान बना रहे हैं तो उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव करके वो लाए गए कि उसमें ये व्यवस्था होगी, भारत है वो संप्रभु संपूर्ण संप्रभुत्व प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य देश होगा और यहाँ पर है सभी लोगों के साथ है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय होगा, अवसर और प्रतिष्ठा की है वो समानता होगी। इस तरह की व्यवस्था की गई कि संविधान में क्या है, सभी तरह के न्याय की व्यवस्था होगी, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी तरह का होगा। तो जो इसमें न्याय का पुट डाला गया, भारत कैसा लोकतांत्रिक गणराज्य वो भी डाला गया। तो संविधान के उद्देश्य को है वो बताने हेतु क्या लाए गए, उद्देश्य प्रस्ताव है वो लाए गए। कौन लाता है, ये लाए गए थे हमारे 13 दिसंबर 1946 को। कौन लेकर आए, जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। कौन लेकर आए, जवाहरलाल नेहरू जी, जो आगे चलकर भारत के क्या बनते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो बनते हैं। ठीक है, तब संविधान के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया कि हम जो संविधान बना रहे हैं उसका हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए, गणतंत्र और गणराज्य, तो एक शब्द चल रहा है गणतंत्र। जैसे आपको कभी कभार एक नंबर में पूछा जाए गणतंत्र शब्द, भारत लोकतंत्र भी है, भारत गणतंत्र भी है। भारत गणतंत्र है इसका मतलब ये हुआ, गण यानी जनता, तंत्र है शासन, जनता का शासन, यानी भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा कौन होगा, भारत का राष्ट्राध्यक्ष, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है। कौन है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो गणतंत्र शब्द का अर्थ हुआ कि किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव होगा तो वो गणतंत्र कहलाएगा। क्या भारत में है, बिल्कुल है, भारत का राष्ट्रपति उसका नियमित है समय पर 5 साल के बाद में चुनाव होता है। कौन करते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए नेता लोग उसका चुनाव करते हैं। तो क्या भारत गणतंत्र है, बिल्कुल है। कैसे, कि गणतंत्र की परिभाषा है किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है तो गणतंत्र होगा, भारत में भी इसी तरह की व्यवस्था। लोकतंत्र का सिस्टम हुआ कि एक ऐसा देश जहां पर जनता को पूर्णतः आजादी होगी, नियमित रूप से चुनाव होगा, जनता की भागीदारी होगी तो लोकतंत्र। तो भारत लोकतंत्र है, गणराज्य है, गणतंत्र भी है वो भारत के है। तो संविधान के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने लाया गया, संविधान सभा में लाया गया, सर्वोत्तम सारांश हमें जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में जो प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत बताया। यानी संविधान का जो सारांश है, पूरी पुस्तक का एक सारांश होता है लास्ट के अंतर्गत दिया जाएगा कि आपने ये पढ़ा, तो उसी प्रकार पूरे संविधान का भी सारांश बताने का काम कर रहा है वो कौन बता रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव बता रहे हैं। और इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया, किसको उद्देश्यों को, संविधान सभा क्या क्या कार्य करेगी उनको इसमें लिखने की कोशिश की गई। साथ ही साथ इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को भी समाहित किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आकांक्ष है, क्या इच्छाएं और मूल्य क्या क्या हो, किस तरह की व्यवस्था के द्वारा है वो जनता को गणतंत्र दिया जा रहा है, जनता को लोकतंत्र दिया जा रहा है, किन मूल्यों के आधार पर किस तरह की व्यवस्था होगी वो कौन बताने का काम कर रहा है, प्यारे बच्चों ये उद्देश्य प्रस्ताव बताने का काम कर रहा है। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधानों को कहा गया है वह वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों और प्रेरित और उनका सारांश है। अब जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों को यदि देखा जाए, एक संविधान के अंतर्गत आगे का आपका चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाऊंगा मूल अधिकार क्या, मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब यह हुआ कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन जीने हेतु अधिकार है, आवश्यक है, उन अधिकारों के बिना व्यक्ति है अच्छे तरीके से जीवन, मूल यानी आधार, मूलभूत है। क्या आपको मूलभूत अधिकार है, आपके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था करे राज्य, आपके लिए अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था करें, आपके रहने के लिए है वो आवास मकान की व्यवस्था करे, आपके पहनने के लिए वस्त्र की व्यवस्था करे, तो ये राज्य का आपका अधिकार है, राज्य की ड्यूटी होगी कि ये इन 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 चीजों की है वो आपके लिए अधिकार करें। तो जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों का सारांश है वो किसमें उल्लेखित किया गया है, वो हमारे इस उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेखित है। और इसी प्रस्ताव किसी यानी उद्देश्य प्रस्ताव, इसी का मतलब हुआ उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सर्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को दर्शाया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ही हमारे संविधान के अंतर्गत समानता दर्शाई गई कि सभी लोग हैं वो समान होंगे, किसी के साथ कोई तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा,
कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हरिजन है, कोई दलित है, कोई महिला है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, भारत का राष्ट्रपति है या फिर सामान्य हमारे जैसा कोई व्यक्ति है, मजदूर है, किसान है, सभी समान होंगे। किसकी दृष्टि में? संविधान की दृष्टि में। संविधान का एक प्रावधान, कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, यदि भारत का राष्ट्रपति भी गलत काम कर रहा है तो भी उसी कानून के तहत उसको दंड मिलेगा, और एक सामान्य मजदूर किसान व्यक्ति है वह भी कर रहा है तो उसी को, यानी संविधान के अंतर्गत किसकी व्यवस्थाएं वो समानता का की गई और उसके उल्लेख कहां पर आता है? हमारे उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत आते हैं। फिर स्वतंत्रता का है, वो भी उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में आता है कि व्यक्ति को इस स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जीवन अच्छी तरीके से जी सके, वह भाषण कर सके, बोल सकता है, जनता यदि पब्लिक चाहे तो सरकार को आलोचना कर सकती है, तो इस प्रकार के राइट्स हैं, वो भी हमें वो उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत दिए गए। भारत में लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र का क्या स्वरूप होगा, लोकतंत्र किसे कहेंगे, तो ये भी उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत बताया गया कि भारत के अंतर्गत है वो लोकतंत्र जैसी व्यवस्था होगी। संप्रभुता का अर्थ होता है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, कैसा? बाहरी और आंतरिक दोनों से, बाहरी व आंतरिक रूप से। संप्रभुता शब्द का आशय होता है कि किसी भी देश के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर बाहरी व आंतरिक कोई भी दबाव नहीं हो और वह स्वतंत्र रूप से काम करे, उसे संप्रभुता कहा जाता है। जैसे कि भारत संप्रभु है, कैसे कि भारत के ऊपर कोई भी देश दबाव डाल के कार्य नहीं कर सकता। अमेरिका ये नहीं कह सकता कि आप अपने जनता के लिए ये काम नहीं करोगे या आप हमसे व्यापार करो, दबाव डालकर काम नहीं करवा सकता, तो वह संप्रभुता हो जाएगी। किसी भी देश के ऊपर बाहरी और आंतरिक कोई दबाव नहीं, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रहा है शासन चलाने का, तो क्या कही जाएगी? आपकी संप्रभुता है वो कही जाएगी। और क्या होगी? एक सार्वजनिक पहचान होगी, एक सार्वजनिक पहचान होगी। सार्वजनिक का मतलब हुआ एक सार्वजनिक, सार्वजनिक पहचान क्या है? सार्वजनिक पहचान है कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों द्वारा ही बनाया गया। भारत का संविधान, भारत का संविधान किसके द्वारा, ये भी हमारी सार्वजनिक पहचान है, भारतीय संविधान। हम ये तो ऐसे नहीं कहते कि ये अलग अलग देशों से हमने प्रावधान लिया है तो हम कह देंगे साहब इसमें तो अमेरिका का प्रावधान है, इसमें इंग्लैंड का, इसमें आयरलैंड का, इसमें कनाडा का, इसमें रूस का या किसी भी देश का, तो ऐसे तो नहीं कहते। हम लोगों ने बनाया तो भारत का जो संविधान है वो भी हमारी एक बुनियादी पहचान है, और उस बुनियादी पहचान का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है प्यारे बच्चों वो किसमें आया हुआ है? हमारी उद्देश्य का प्रस्ताव के अंतर्गत आया। तो दूसरा जो हमारा आज का महत्वपूर्ण पॉइंट था, एक हमने संविधान की कार्य अवधि पढ़ी और दूसरा जो हमारा था ये कि किस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव है वो लाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि संविधान जो हमारा बना है, संविधान निर्माण के अंतर्गत कुछ चीजें रही थी कि संविधान में जो हमने प्रावधान है वो अलग अलग देशों से ली, संविधान के अंतर्गत कुछ चीजें ली गई थी, संविधान में क्या किया, कुछ अलग अलग चीजें हैं वो ली गई। तो कहां से ली? स्रोत का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूंगा आप जो पानी पी रहे हो आपके पानी का स्रोत क्या है? आप कहोगे एक साहब स्रोत या तो हम इसको तालाब से पानी ला रहे हैं या कुएं से ला रहे हैं या बावड़ी से ला रहे हैं या नलकूप से ला रहे हैं या ट्यूबवेल से ला रहे हैं, तो वो स्रोत हो गया आपका। मैंने कहा कि आप 11th आप संविधान पढ़ रहे हो तो आपके संविधान का स्रोत क्या है पढ़ने? आपने कहा कि सर कक्षा 11th की हमारी जो संविधान की पुस्तक है वो हमारा स्रोत है। आपने कह दिया सर हम जो संविधान पढ़ रहे हैं वो एन लक्ष्मीकांत की एक पुस्तक आ रही वो हमारा स्रोत है, या सुभाष कश्यप की एक पुस्तक है वो स्रोत है। तो यहाँ पर भी बात सेम कि संविधान जो बनाया, इतनी जो हो हल्ला हो रही है संविधान की कि भारत का संविधान बनाया जा रहा है, इतने लोगों ने मिलकर बनाया, इतनी समय अवधि हुई, इस तरह का खर्च हुआ, तो वो आखिर में स्रोत कहाँ, क्या क्या था, कहाँ से ये प्रावधान लिए गए, कहाँ से ये प्रावधान दिए गए, यानी इसमें जो उपबंध किए गए प्रावधान, यानी उपबंध या जो भी इसमें उल्लेखित किया गया है वो कहाँ कहाँ से लिए गए, उन बात की है वो चर्चा हो रही। तो भारत के संविधान के जो स्रोत हैं वो बेसिक देखा जाए तो प्यारे बच्चों दो स्रोत रहे। कितने स्रोत रहे? दो स्रोत रहे, ठीक है। दो कौन से रहे? एक तो रहे जो इंग्लैंड उपनिवेश था भारत के ऊपर, भारत उपनिवेश था इंग्लैंड का और इंग्लैंड के द्वारा हम शासित होते थे, तो इंग्लैंड के द्वारा अलग अलग समय में लाए गए एक्ट थे, क्या थे? अलग अलग समय में लाए गए कानून थे, एक तो वो थे और दूसरे थे विदेशी। अब आप ये कहोगे कि साहब इंग्लैंड ने जो कानून लाए वो भी तो विदेशी थे, वो कौन से देशी थे?
लेकिन वो उन प्रावधानों को हमने कुछ हद तक समाहित कर लिया। आप देखोगे कि इंग्लैंड की सरकार जो कंपनी का यहाँ पर शासन था उसने अलग अलग समय में एक्ट लाए, 1773 के अंतर्गत रेगुलेटिंग करके एक एक्ट लाती है। क्या लाती है? रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। पिट्स इंडिया एक्ट लाई 1784 के अंतर्गत, पिट्स इंडिया एक्ट लाई। फिर अलग अलग चार्टर एक्ट आते हैं और उन चार्टर एक्टरों से हमने क्या किया, प्रावधान उठाए गए, उनसे प्रावधान उठाए गए हमने। 53 है, 58 है, 61 है, फिर 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है। ये कुछ एक एक्ट थे जो इंग्लैंड की जो यहाँ पर उपनिवेश था भारत, उस समय कंपनी के द्वारा या फिर इंग्लैंड की संसद के द्वारा अलग अलग समय में कंपनी के शासन को चलाने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए कुछ एक्ट लाए गए। एक तो उनसे हमने दिए और दूसरे लिए हैं विदेशी स्रोत। दूसरे क्या हैं? विदेशी स्रोत, यानी अलग अलग देशों से वो हमने लेने का काम किया। चाहे हमने अमेरिका से लेने की, चाहे हमने अमेरिका से लिया हो, चाहे क्या किया हमने यूएस से लिया हो। जैसे कि आप देखोगे कुछ एक विदेशी का मतलब हुआ हमने अमेरिका से लिए, फिर हमने इंग्लैंड से लिए, फिर हमने रूस से कुछ प्रावधान लिए, हमने आयरलैंड से लिए, हमने अफ्रीका से लिए, हमने कनाडा से लिए, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। तो ये अलग अलग स्रोत रहे संविधान के अंदर, हमने अलग अलग देशों के संविधानों में जो भी अच्छी चीजें थी वो लेने की कोशिश की। जैसे मैं कहूंगा कि हमने इंग्लैंड के संविधान से एक बात लेने की कोशिश की कि जो संसद व्यवस्था है वो हमने इंग्लैंड से ले ली। प्रधानमंत्री का पद है वो शक्तिशाली होगा तो वो हमने इंग्लैंड के संविधान से ले ली। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट जो सिस्टम होगा वो हमने कहाँ से लिया, वो भी हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया। हमने लिया कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो किस तरह से कार्य करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष किस तरह से कार्य करेगा, यानी जो अध्यक्षता का कार्य उसके जो पद है वो हमने ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो अध्यक्ष होता उससे हमने लिया। तो ये अलग अलग देशों से लिया। हमने अमेरिका के संविधान से ये प्रावधान लेने की कोशिश की कि वहां पर जो न्यायपालिका की स्थिति कैसी है, न्याय पुनरावलोकन की स्थिति क्या है, तो ये हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लेने की। वहां से हमने मूल अधिकारों को लेने की कोशिश की कि किस तरीके से अमेरिका में एक प्राकृतिक न्याय का कॉन्सेप्ट चलता है, किस तरीके के हैं वो प्राकृतिक न्याय का कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्राकृतिक न्याय का कॉन्सेप्ट। आगे हम पढ़ेंगे हमारी जो दूसरी पुस्तक है उसमें न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे, तब मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्राकृतिक न्याय का अधिकार है वह व्यक्ति का मूल अधिकार। प्राकृतिक यानी प्रकृति, न्याय यानी न्याय की बात करें समानता की, यानी कोई भी व्यक्ति है वो पैदा स्वतंत्र रूप से हो रहा है, जिस राज्य भूभाग में हो रहा है उस राज्य का ये दायित्व बनेगा कि उसके लिए उसकी सारी व्यवस्थाएं करे, सही शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, पानी की, भोजन की, आवास, वस्त्र, तो वो प्राकृतिक न्याय का एक बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है। जॉन रोल्स का एक कॉन्सेप्ट चलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर भी एज इट इज वही व्यवस्था है। तो ये चीजें हमने अमेरिका के संविधान से ली, आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी लिए, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व लिए, यानी राज्य किस तरह से कार्य करेगा वो लिया हमने। मूल कर्तव्य है वो आगे जाके हमने रूस से लिए, तो ये कनाडा से हमने संघ लिया। ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग देशों से हमने लेने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संविधान में हमने प्रावधान लिए, मैंने कहा कि आपको दो तरीके से, एक तो पूर्णतया विदेशी थे और दूसरा था कुछ इंग्लैंड की जो कंपनी यहाँ शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके शासन को नियंत्रित करने हेतु जो यहाँ वहां की सरकार के द्वारा अलग अलग एक्ट लाए थे, उन एक्टों के द्वारा हमने प्रावधान लिया। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक एक्ट था 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान के स्रोत हैं, एक तो 1935 का क्या है, भारत शासन अधिनियम, भारत भारत शासन अधिनियम। अब क्या हुआ था, घटनाक्रम कुछ ऐसे हुआ था कि इंग्लैंड की जो सरकार ने है, संसद ने 1935 में एक अधिनियम पारित किया, उसे भारत शासन अधिनियम 35 के नाम से जाना जाता है। उसमें से तकरीबन हमारे संविधान में हमारे जो टोटल है वो 395 के आसपास अनुच्छेद,
उन 395 में से तकरीबन कहते हैं कि 250 के आसपास अनुच्छेद हैं वो सीधे इसी कानून से हमने उठा कर ले लिए थे। 250 के आसपास अनुच्छेद हैं वो कहां से लिए हमने प्यारे बच्चों? भारत शासन अधिनियम से ले लिए। तो ये कई बार कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो 1935 की भारत शासन अधिनियम की एक तरीके से कॉपी, एक तरीके से जेरॉक्स है। आप देखोगे 395 के आसपास में से 250 के आसपास आर्टिकल है एज इट इज दिए गए। तो ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब बात आपके समझ में आई कि साहब भारत का संविधान के जो स्रोत हैं वो सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? सबसे बड़ा जो प्यारा आपका जो स्रोत है प्यारे बालकों वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। ये अन्य देशों की संविधान प्रणाली से लिए गए दूसरे भी प्रावधान, ये दो सबसे महत्वपूर्ण, एक तो 1935 का भारत शासन अधिनियम और दूसरा है अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से वो लिए गए प्रावधान, ये दो महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा हमने क्या किया? संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान लेने का काम किया। ठीक है, फिर जो दो चीजें यहां पर समझिए कि भारत के अंतर्गत ही बात है, तो एक तो हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया और दूसरा है वह 1928 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, क्या थी? कि भारत का संविधान किस तरह का होगा, भारत का संविधान बनाने की इन्होंने कोशिश की थी। घटनाक्रम यह हुआ था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज दिया कि आप लोग कह रहे हो कि हमारा संविधान है वो बनाया जाए, आप लोग खुद सक्षम नहीं हो। तब उनके चैलेंज को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने, जो मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास वगैरह थे, विट्ठल भाई पटेल जैसे लोग थे, इन लोगों ने मिलकर कहा कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। तब 1928 में जो मोतीलाल नेहरू की एक रिपोर्ट दी जाती है, मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में से भी हमने बहुत से प्रावधान लिए गए जिसमें कहा था कि संघ सरकार की स्थापना है वो की जाए। संघ सरकार की स्थापना कैसे की जाए? संघ यानी भारत एक केंद्र और राज्य, केंद्र व राज्य दोनों की, केंद्र व राज्य दोनों की है वो किस तरीके से है वो व्यवस्था की जाए। तो संघ सरकार का जो प्रावधान हमें मिलता है वो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से मिलता है और उसमें कहा गया था कि संघ का मतलब हुआ भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत केंद्र सरकार प्लस राज्य दोनों से मिलकर संघ बनेगा। लेकिन इसमें यह भी कहा था कि जो संघ सरकार का गठन कैसे किया जाए और केंद्र सरकार को क्या किया था इन्होंने, शक्तिशाली रखने की कोशिश की, यानी भारत सरकार होगी वो शक्तिशाली रहे ताकि अन्य देशों के साथ किसी भी तरह के संबंध स्थापित करने में भूमिका है वो भारत सरकार की होगी। तो दो तरीके से, एक तो है कौन सा, भारत शासन भारत के अंदर से, यानी 1935 का एक्ट और 1928 की मोतीलाल रिपोर्ट, और दूसरा क्या है अन्य देशों के संविधानों से हमने अलग अलग प्रोविजन लिए थे उनसे देखेंगे। अब अन्य देशों से लिए गए उनमें हम देखते हैं, पहला क्या है, ये है कि हमने अलग अलग देशों से लिए, क्या है, अलग अलग देशों से लिए प्रावधान, क्या है ये संविधान के स्रोत है प्यारे बच्चों, संविधान के, यानी संविधान में कहां कहां से क्या प्रावधान लिए गए, स्रोत क्या था, यानी कहां से चीज देगी वो, उसमें हम देखेंगे अलग अलग देशों का। दो बातें, एक तो भारत में से, तो 1935 का एक्ट और मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी उनसे लिए गए, और फिर विदेशों से लिया गया उनमें अलग अलग देशों से हम पढ़ेंगे। उसमें हमारा जो पहला जो देश आ रहा है वो ब्रिटेन आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्रिटेन आ रहा है कि ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए, ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से, ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए, प्रावधान लिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से हैं वो प्रोविजन लिए, कौन कौन से प्रावधान लिए, तो उसको बताया गया। कहें इसमें लिखा हुआ है कि जो सरकार का संसदीय रूप है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। सरकार का क्या है, संसदीय रूप, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा वो कहां से, यानी संसद किस तरीके से कार्य करेगी,
संसद की सर्वोच्चता होगी या नहीं होगी। संसद है, संसद जैसे कि संसद आपके मिलकर बनेगी लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और किससे उनके बनेगी, राष्ट्रपति। यानी संसद की शक्ति किस तरीके से होगी, वो बात हमने कहां से ली, इंग्लैंड के संविधान से ली, कि एक संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनेगी और उसमें किस तरीके से संसद कार्य करेगी, तो कहां से लिया गया, ये ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, संसदीय स्वरूप लिया। ठीक है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का जो निर्णय है वो कहां से लिया गया, वो भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। यानी क्या हुआ, आपकी क्लास में हम मॉनिटर का चुनाव करवाना है, क्या करना है, मॉनिटर का चुनाव करवाना। ठीक है, आप टोटल बच्चे कितने हो, आप कक्षा 11 के वो 100 स्टूडेंट है, उसमें से क्या बात है कि जिसके सर्वाधिक वोट आएंगे वो जीतेगा। यानी एक छात्र है रमेश है, एक छात्र रमेश है और दूसरी छात्रा है मोनिका, मोनिका को है वो 51 वोट मिल गए। क्या है, मोनिका, मोनिका को कितने मिले, 51, रमेश को कितने मिले, 50 वोट मिले। अब जो प्रावधान क्या कह रहा है कि सर्वाधिक मत के आधार पर, किसके आधार पर, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय होगा, वो हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यानी किसी भी दो व्यक्ति में से जिसको ज्यादा वोट आया, अब मोनिका को वोट तो एक ज्यादा पड़ा है लेकिन विजय है वो किसकी हो जाएगी, मोनिका की हो जाएगी, और एक वोट के ही कारण है वो रमेश से मॉनिटर का चुनाव हार गया। तो ये व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी जीत होगी, वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, तीसरी बात पर आइए कि कानून के शासन का है वो विचार कहां से लिया गया, इंग्लैंड के है संविधान से लिया गया, ब्रिटिश संविधान। कानून के शासन का विचार ये हुआ कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति हैं वो समान होंगे, कानून की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में सभी लोग कैसे होंगे, समान होंगे। कानून के शासन का मतलब क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ किस तरीके से कार्य करेगा, यानी कोई भी कानून है उस कानून के तहत सभी हैं वो समान रूप से पढ़ाई होगी। एक क्लास का है वो एक रूल्स बनाया गया जिसमें लड़के और लड़कियां सभी को समान रूप से पढ़ाई करवाई जाएगी। ऐसे नहीं है कि लड़कियों को विशेष तौर से अलग क्लास में लेकर उनके एडिशनल क्लास लेकर उनको पढ़ाया जाए या लड़कों के एडिशनल क्लास लेकर वो पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं। तो क्या है, कानून की दृष्टि में है वो सभी समान है, कानून की दृष्टि में क्या है, सभी समान। अब वो अलग बात है कि कोई छात्र कमजोर है तो उसके लिए अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसके लिए अलग थोड़ी क्लासेस ट्यूशन लगवानी पड़ेगी, वो ठीक है, लेकिन कानून की दृष्टि में है वो सभी समान होंगे। अमीर और गरीब दोनों ही कानून की दृष्टि में क्या हो जाएंगे, एक होंगे। अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून की दृष्टि में आप सभी एक समान है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि किसी अमीर व्यक्ति ने अपराध किया है किसी को मारने करने का, तो उसको भी वही दंड मिलेगा जो किसी गरीब व्यक्ति ने किया होता तो उस गरीब व्यक्ति को मिलेगा। तो ये एज इट इज व्यवस्था है कि समान रूप से होगा। फिर क्या है, चौथा कहा गया कि विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका क्या होगी, वह व्यवस्था काम की ली गई है, वो भी हमें ब्रिटिश संविधान से ली। जैसे कि हमारे लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी करके हैं, अब ये ओम बिरला है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां होगी वो ब्रिटेन के संविधान से ली हुई, क्योंकि जो ये लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण पद होता है, तकरीबन तीसरे चौथे सोपान पद में ये आता है, शक्तिशाली पद गिना जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां होगी, या विधानसभा का कोई अध्यक्ष होगा जैसे राजस्थान विधानसभा तो उसके अध्यक्ष है तो वो होंगे, तो उसके क्या क्या पावर होंगे, तो उसका जो प्रावधान वो भी हमने कहां से दिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से दिया गया। और कानून निर्माण की जो विधि होगी वो संसद निर्माण करेगी, संसद है वो बनाने का काम करेगी। तो ये भी प्रावधान हमने कहां से लिया, ये भी हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया। तो ब्रिटिश संविधान आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में ब्रिटिश संविधान से लिए गए कुछ एक प्रावधान बताइए, तो आपको उस समय बताना पड़ेगा कैसे आप संसदीय व्यवस्था लेगी, जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं उस वोट के आधार पर उसका जो विजय होगा, कानून का शासन होगा और अध्यक्ष का पद की क्या क्या पावर होंगे और कानून निर्माण में संसद की किस तरह से भूमिका होगी, वो सारे के सारे प्रावधान कहां से लिए हमने,
जो इंग्लैंड के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली। ठीक है, अब दूसरे आगे बढ़िए, आगे दूसरा है हमारा कि अमेरिका के संविधान से हमने कौन कौन से हैं वो प्रावधान लिए। अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए, कौन कौन से प्रावधान लिए। ठीक, जैसे मौलिक अधिकारों की सूची दी, क्या लिए हमने अमेरिका के संविधान से, हमने मूल अधिकार लिए, क्या लिए मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहो या मूल अधिकार कहो, ये मौलिक अधिकार कहो या मूल अधिकार है, वो कहां से लिए हमने, अमेरिका के संविधान से लिए। किस पर है ये, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है, वो कहां से लिए गए हमने, अमेरिकी संविधान से लिए गए। यानी कोई भी व्यक्ति के जीवन जीने हेतु कोई अधिकार मूलभूत अधिकार है, उनके बिना व्यक्ति जीवन जी नहीं सकता। आगे के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा कि मूल अधिकार क्या होते हैं। हमारे जीवन जीने के लिए कुछ एक ऐसे प्रावधान किए गए, कानूनी प्रावधान किए गए कि राज्य उन कानूनों को समाप्त कर नहीं सकता, और यदि राज्य उनको समाप्त करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए हम जुडिशरी जो कोर्ट है वहां जाकर के कह सकते हैं साहब हमारे कानूनों का है वो उल्लंघन हुआ। तो इतने महत्वपूर्ण अधिकार है वो हमने है वो अमेरिकी संविधान से लिया। ठीक है, दूसरा है वो हमने लिया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, वो हमने कहां से ली, अमेरिकी जो संविधान से ली। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है प्यारे बच्चों, कोई कानून है वो कोई कानून बनाना है, कानून निर्माण कौन करेगी, कानून निर्माण है वो कौन करेगी, संसद करेगी, कौन करेगी, संसद करेगी। भारत में कानून निर्माण कौन करेगी, संसद करेगी। ठीक है, राज्य में भारत के अंतर्गत कोई राज्य है जैसे पंजाब हरियाणा राजस्थान है, वहां पर कौन करेगी, वहां की विधानसभा करेगी। तो भारत में जो कानून निर्माण का काम संसद कर रही, अब कोई कानून ऐसा है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत है वो कहां पर जाएगा, कोर्ट है जो न्यायपालिका है वह इस बात को देखेगी, किसको देखेगी, न्यायपालिका को। ठीक है, अब न्यायपालिका ने उस पर कोई निर्णय दे दिया, और निर्णय दिया उस समय की स्थिति में तो निर्णय ठीक था, लेकिन कालांतर में न्यायपालिका ने अपने दिए हुए निर्णय को है वो वापस पुनरावलोकन कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन, दो शब्द, इस शब्द को आप तोड़िए तो आपका है वो अर्थ निकल कर आएगा, क्या है, पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का मतलब क्या हुआ, पुनर और अवलोकन, पुनर्धन अवलोकन, पुनरावलोकन, मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया, मुझे कुछ लगा कि शायद मुझे इसको और भी है वो कुछ चीज जोड़ के पढ़ानी चाहिए थी या शायद कोई त्रुटि हुई, तो मैं अपने ही वापस उसको पुनरावलोकन के साथ दूसरी बार उसको है वो देख अच्छे तरीके से करवाऊं। तो न्यायपालिका में ऐसी कैसी स्थिति है कि न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया, अब न्यायपालिका को लग रहा है उस समय की स्थिति 1975 में तो ये निर्णय ठीक था, लेकिन आज 2020 की स्थिति के अंतर्गत है ये निर्णय है वो मान्य नहीं, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका आपकी क्या है वह वापस अपने मामले को उस पर निर्णय दे सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। तो पुनरावलोकन देखना की सकती है वो कहां से ली हमने, अमेरिकी संविधान से ली। फिर हम न्यायपालिका की है वो स्वतंत्रता का प्रावधान हमने कहां से लिया, वह भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया। यानी न्यायपालिका होगी वह बिल्कुल स्वतंत्र होगी, कोई भी किसी भी तरह का है वो न्यायपालिका के ऊपर क्या है दबाव नहीं होगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहां से दिया गया, अमेरिकी संविधान से दिया, यानी स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका कार्य करेगी। कौन, न्यायपालिका, जैसे भारत में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। फिर हाई कोर्ट है। ठीक है, अब इनका काम है क्या है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना। अब किसी नेता को सुप्रीम कोर्ट का बना दिया क्या करेगा, मोदी सरकार, सपोज एक उदाहरण कीजिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है उनमें से उनके किसी नेता को जस्टिस बना दिया क्या करेगा,
मोदी सरकार का फैसले उनसे संबंधित लेगा, उनमें है, उनके कभी भी विपक्ष में देगा नहीं, फेवर में देगा, यानी वहां पर क्या होगा, एक तरीके से अतिक्रमण हो जाता है उस चीज व्यवस्था को, पतन होता है। तो इसलिए हमने कहा कि जो न्यायपालिका का कार्य बिल्कुल स्वतंत्र होगा, संसद है वो कार्य अलग तरीके से करेगी, न्यायपालिका अलग तरीके से कार्य करेगा। इनके मध्य कार्यों का हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, बंटवारा कर दिया था। क्या कर दिया था? बंटवारा कर दिया कि आपका काम अलग है, आपका काम अलग है। तो वो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लेने की वहां से लिया, ताकि स्वतंत्र न्यायपालिका देश के अंतर्गत शासन व्यवस्था चला सके। अब जो तीसरा बिंदु था, फर्स्ट है वो इंग्लैंड का है, फर्स्ट इंग्लैंड के संविधान से हमने कुछ प्रावधान लिए, दूसरे हमने अमेरिकी संविधान से लिए, और तीसरे हमने लिए वो आयरलैंड के संविधान से लिए। आयरलैंड एक देश है, ब्रिटेन के ही पास में एक छोटा सा टापू वाला देश है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों से स्कॉटिश से मिलकर बना है आयरलैंड है। तो वहां से हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान लिया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व इनको है वो डीपीएसपी कहा जाता है, डीपीएसपी। इनका उल्लेख संविधान के भाग चार में उल्लेखित है, संविधान के भाग चार में 36 से लेकर है वो 51 तक इनका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, इस तरीके से लेकर अनुच्छेद 51 तक है वो किसका उल्लेख किया गया है, नीति निदेशक तत्व का। काम क्या करेंगे उनको देखिए, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व लिए प्यारे बच्चों, दो चीजें यहां पर समांतर चलती, एक तो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई मूल अधिकारों की, कहां से लिया हमने, अमेरिका से लिया, और दूसरे हमने लिए नीति निदेशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार व्यक्ति के लिए, मेरे लिए मेरी पढ़ाई अच्छी तरीके से चले, मेरे लिए अच्छे जो सरकार है वो व्यवस्था करे आवास की, अच्छी चिकित्सा सुविधा की, तो मूल अधिकार व्यक्ति के लिए। जबकि नीति निर्देशक तत्व है वो किसके लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, किसके लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए। अब मूल अधिकारों को है वो सरकार समाप्त नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, यदि करेगी तो आप है वो कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां जाकर आप कह सकते हो कि साहब हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो कोर्ट बाकायदा डिसीजन दे सकती और उस मामले को लेकर सरकार को करेगी कि आपने गलत किया, इनके अधिकारों का हनन किया। लेकिन नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते कि साहब जो राज्य का कल्याणकारी राज्य की स्थापना की इसमें जो बात की गई है, पंचायत राज जैसी व्यवस्था बात की गई है, या फिर इसमें कहा है कि रोजगार के अवसरों को सृजन करेंगे, पर्यावरण की रक्षा की बात करेंगे, जो वैज्ञानिक अन्वेषण ज्ञानार्जन की बात करेंगे, ये सारी की सारी अच्छी अच्छी बातें दी गई, जो समान नागरिक संहिता करके एक दी हुई है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में उल्लेख है, अनुच्छेद 44 में उल्लेख है क्या है, डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व है। तो अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि एक तरह का कानून हो, भारत में हिंदुओं का, मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सभी के ऊपर एक जैसा लॉ लागू, क्योंकि आप देखोगे तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अलग है, हिंदू विवाह अधिनियम अलग है, तो इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अलग है, तो वो अलग तरह से बोर्ड काम कर रहे, अलग अलग कानून के रूप में काम कर रहे हैं। तो उनमें कहा गया है कि जो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि सभी नागरिकों हेतु क्या हो, समान नागरिक संहिता हो, एक जैसे कानून हो। तो ऐसे जो नीति निदेशक करके तत्व हैं जो लोक कल्याण कर राज्य की स्थापना का काम कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, लोक कल्याण कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करेंगे, नीति निदेशक तत्व करेंगे। हमने कहां से लिए, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीति निदेशक तत्व कहां से लिए, आयरलैंड के संविधान से लिए, इनका क्या काम है, लोक कल्याण कर राज्य की स्थापना करना, ये कहां पर है, ये संविधान के भाग चार में अनुच्छेद 36 से 40 तक दिए हुए हैं, और ये किसके लिए, ये राज्य के लिए, किसके लिए, राज्य के लिए, और मूल अधिकार किसके लिए, व्यक्ति के लिए। तो वो बेसिक बात थी हमारी किसकी, नीति निदेशक तत्वों की। चौथी बात करेंगे हम फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से भी हमने कुछ है प्रोविजन लिए, क्या लिए, फ्रांस के संविधान से हमने लिए हैं समानता ली, समानता ली हमने, स्वतंत्रता ली, और हमने बंधुत्व, बंधुत्व का अर्थ हुआ भाईचारा या
बहादुर तो घटनाक्रम यह हुआ था कि आप देखोगे कि संविधान फ्रांस के अंतर्गत 1789 के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति हुई। क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किसके लिए हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए, कि फ्रांस के अंतर्गत समानता स्थापित की जाए। वहां पर देखो कि बड़े बड़े अभिजात वर्ग है, राजा है, जो समाज के अंतर्गत किसान है या अन्य मध्यम वर्ग है, उनकी हालात खराब थी। तो वहां क्रांति हुई कि समाज के अंतर्गत समानता स्थापित हो, समाज में है वो स्वतंत्रता जैसी व्यवस्था हो और समाज के अंतर्गत भाईचारा हो, सभी है वो मिलजुल कर एक साथ बैठे, इस तरह की व्यवस्था हो। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महत्वपूर्ण रहा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का। तो मने भी हमारे संविधान के अंतर्गत भी है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के जो संविधान से लेने की कोशिश की, कोशिश नहीं की बल्कि ले लिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंतर्गत भी समानता स्थापित हो, भारत में स्वतंत्रता स्थापित हो और सभी समुदाय के लोग हैं वो आपस में क्या करें, बंधुत्व की भावना के साथ में बैठे। तो ये भी हमने कहाँ से लिया? आपके फ्रांस के संविधान से हैं, वो लेने की कोशिश की। कौन से हैं? समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व हैं, वो हमने फ्रांस के संविधान से लिया। आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व क्या है। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ, स्वतंत्रता का अर्थ हुआ किसी भी व्यक्ति पर कम से कम बंधन, किसी भी व्यक्ति पर कम से कम बंधन। क्या मतलब हुआ? कोई व्यक्ति है, आप है, आप पर मैं कम से कम बंधन डालूं, आपको स्वतंत्र रूप से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। तो ऐसी कैसी स्वतंत्रता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कम से कम बंधन हो, अच्छे तरीके से जीवन जिए, अच्छे तरीके से बोल सके, अच्छी तरीके से जा सके, तो वो स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया। समानता का, एक समाज में सभी लोगों के साथ है वो समानता हो, सभी वर्गों के साथ, सभी वर्गों के लोगों के साथ एक समान बर्ताव, किसमें कहा गया? संविधान में कहा गया। संविधान के अनुच्छेद जो 14 से लेकर 18 तक है वो समानता का प्रावधान है, वो हमारे संविधान में दिया गया। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद भाग संविधान का 3 है और अनुच्छेद है वो 14 से लेकर 18 तक है। विधि के समक्ष समानता होगी और इसमें जो स्वतंत्रता है वो भी हमारे भाग 3 में अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है वो उल्लेख किया गया। तो ये फ्रांस के संविधान से हमने लेने का काम किया। तो अलग अलग देशों से वो लिया। कनाडा के संविधान से भी हमने कुछ एक प्रावधान है वो लिए। कनाडा एक देश है, कनाडा के संविधान से लिया कि हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था होगी। यानी कनाडा के संविधान से क्या लिया? अर्ध संघात्मक सरकार लिए हमने। क्या ली? अर्ध संघात्मक सरकार, पूर्ण समात्मक नहीं। यानी क्या कह रहे हैं कि सरकार ऐसी हो जो एक सशक्त भाग। संघात्मक का मतलब हुआ कि केंद्र और राज्य दोनों ही हैं, वो क्या हो? समान हो। एक सब चलता है संघात्मक। अब बात को समझिए थोड़ा। संघात्मक, संघात्मक का अर्थ होता है कि केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्यों की शक्तियां कैसी होगी प्यारे बच्चों? समान होगी। केंद्र और राज्य की जो शक्तियां होगी वो पावर होगी। जैसे केंद्र आपके, एक देख लो, केंद्र भारत सरकार है, पूरे देश के लिए काम कर रही, और दूसरा है वो राज्य, यानी अलग अलग राज्यों की। तो इन दोनों की शक्तियां यदि लगभग समान है तो संघवाद आ जाएगा, संघात्मक आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? अर्ध संघात्मक होगा, यानी केंद्र की है वो सशक्तता होगी, केंद्र को ज्यादा है वो सशक्तता होगी, सशक्तता, यानी ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात की गई। ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात किसको की गई? केंद्र को। तो ये प्रावधान कहां से लिया गया हमने? ये प्रावधान है वो आपके कनाडा के जो संविधान से लिया गया। और एक अगला है कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है कि अवशिष्ट जो भी शक्तियां होगी,
शक्तियों को बेसिक प्यारे बच्चों क्या किया हमने तीन भागों में हमारे संविधान के अंतर्गत बांटा गया, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। एक तो सूची, तीन सूचियां, कितनी सूचियां, तीन सूचियां। संघ सूची, राज्य सूची संवर्ती सूची। संघ सूची यानी वे विषय होंगे जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, भारत सरकार। जैसे कि कोई विदेशी मामला है, कोई विदेशों से अलग अलग संबंध बनाने, विदेशी व्यापार करना है, रक्षा है, ये संचार का है, कम्युनिकेशन का, ये संघ का होगा। राज्य सूची का यानी राज्य सरकार, राज्य सरकार। जैसे कि राजस्थान में देखोगे अशोक गहलोत सरकार, ठीक। कुछ जैसे पुलिस जैसे मामले हैं, कृषि का मामला है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य क्या करें, दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, दोनों मिलकर हैं वो कानून बनाएंगे, तो कौन सी सूची पर होगा? समवर्ती सूची पर। जैसे कि शिक्षा है, क्या है? शिक्षा। शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती का सूची। यानी भारत सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार होगी वो भी कानून बनाने का काम करेगी। तो और इसके अलावा, इन तीनों सूचियों के अलावा, तीन सूचियों के अलावा कोई शक्तियां और भी बचती हैं, तो वो शक्तियां किसके पास में होगी? अलावा जो भी शक्तियां होगी उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कही जाएगी। क्या कहा जाएगा? अवशिष्ट शक्तियां कहा जाएगा। और ये अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में होगी? केंद्र के पास में होगी। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है कि अवशिष्ट जितनी भी शक्तियां होगी वो कनाडा के संविधान के अंतर्गत निहित होगी। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? फिर संविधान सभा को देखेंगे वापस, कि संविधान सभा को है वो किस तरीके से कार्य किया था मोटे मोटे तौर पे। तो संविधान जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक हो, क्या कहलाई जाएगी? संविधान है वो कहलाया जाएगा। यानी मैंने कहा था कि संविधान है वो किसी दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, या फिर हम कहेंगे कि संविधान जिससे किसी देश के शासन को चलाया जाता है वो लिखित पुस्तक होती है, ठीक है। फिर संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच क्या करता है? सामंजस्य, विश्वास और तालमेल बिठाने का संविधान है वो कार्य करता है। क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। क्या करेगा? सरकार के बीच में कोई समूह संगठन है, छात्र संगठन है, या फिर न्यायालय है, या फिर इसके अलावा अन्य संगठन है, उनके बीच में क्या करेगी? उनके बीच समन्वय करेगी, उनके बीच विश्वास और तालमेल बिठाने का काम करेगा। वो कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। तो ये बेसिक संविधान का काम है। संविधान है वो किसी भी राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना होता है। जैसी प्रस्तावना है वो संविधान का दर्पण। तो संविधान है वो किसी भी देश का राष्ट्र, किसी भी देश की शासन प्रणाली का आईना होता है। उसके बिना है वो देश की शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। और जैसे भारतीय संविधान का है वो दर्पण किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रस्तावना। प्रस्तावना वही मैंने कहा आपको, उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना वही उद्देश्य प्रस्ताव। क्या है उद्देश्य प्रस्ताव? किसने दिए थे? जे एल नेहरू ने दिए थे, जवाहरलाल नेहरू ने दिए। कब? वही 13 दिसंबर 1946 को दिए थे। तो भारतीय संविधान का दर्पण क्या है प्यारे बच्चों? भारतीय संविधान का जो दर्पण है वो आपके क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, ठीक है। संविधान सभा है, संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 सदस्यों को चुनकर बनाए गए थे, जिसमें 292 सदस्य कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे, और 4 हैं वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे, और 93 जो सदस्य थे वो देशी रजवाड़ों से थे। कहाँ से थे? देशी रजवाड़ों से, रियासतों से थे। कहाँ से थे? राजा महाराजाओं के जो क्षेत्र थे उन रियासतों से वो संविधान सभा में थे। और ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया और कहा गया था कि 10 लाख
10 लाख की जनसंख्या पर हैं, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट है वो दी गई, यानी कोई क्षेत्र है आपका जोधपुर है नागौर है तो वहां पर है वो 10 लाख की जनसंख्या होगी तो एक सीट है एक व्यक्ति है वहां से आएगा। तो ये बेसिक मोटा मोटा इसमें प्रावधान किया गया। फिर है भारत का जो विभाजन किया गया था वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार है भारत का विभाजन किया गया था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे इसलिए इसका वापस है वो बनाई गई और 299 के आसपास सदस्य रह गए थे। और जब संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने की बात आई तो तकरीबन कितने सदस्य थे, 284। संविधान सभा का स्वरूप देख लिया भाई सांप्रदायिक आधार पर किया गया था जिसमें मुस्लिमों को मुस्लिम चुनेगा, सिख को सिख है, अन्य संप्रदाय में सामान्य वर्ग को शामिल किया गया था। और संविधान सभा का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है प्यारे बच्चों। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली से हुआ, जैसे कि आप बच्चों ने मिलकर हैं वो मुझे बना दिया गया, क्या है आपकी कक्षा का जो कक्षा अध्यापक बना दिया गया। अब मैं कक्षा अध्यापक आगे जाकर हेडमास्टरों के सभी कक्षा अध्यापक मिलकर के आगे जाके हेडमास्टर का चुनाव करेंगे तो वो अप्रत्यक्ष रीति से हो गया था क्योंकि आपने मुझे चुना था, आपने सीधे हेडमास्टर को नहीं चुना था। और संविधान सभा में सबसे ज्यादा थी वो किसकी सीटें थी, कांग्रेस की है, वो 82% के आसपास सीटें थी। 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो संविधान सभा के क्या थे, आपके स्थायी अध्यक्ष थे। इस बात का आप ध्यान रखना कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, स्थायी अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद है, स्थायी अध्यक्ष कब है ये बनते हैं 13 दिसंबर को, ठीक है, और अस्थायी बनते हैं ये बने थे 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को बने थे। और स्थायी रूप से कौन काम कर रहे हैं, राजेंद्र बाबू। अब महत्वपूर्ण कुछ एक बिंदु है उनको आप देख लो, वही महत्वपूर्ण बिंदु है किसी देश की शासन व्यवस्था चलाने का काम हो रहा है, संवैधानिक सिद्धांत के माध्यम से है वो शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईएनआर भारतीय संविधान के अंतर्गत किसका उल्लेख आया हुआ है, जो आपके उद्देश्य प्रस्ताव का आया गया। फिर संविधान सभा का स्वरूप वही कैबिनेट मिशन के अनुसार है संविधान सभा बनाई गई थी, यह आपकी महत्वपूर्ण बिंदु हो गई। 389 के आसपास है वो क्या थे, सदस्य थे, कितने थे 389। 292 ब्रिटिश सरकार के प्रांत से 4 चीफ कमिश्नर और 93 थे देशी रियासतों से थे। प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख पर है एक व्यक्ति को। और सीटों को 3 प्रमुख सदस्यों में बांटा गया था, किसमें, मुस्लिम, मुसलमान, सिख, सामान्य के अंतर्गत बांटा गया था, सामान्य के अंतर्गत बांटा गया था, ठीक है। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, जैसे कोई जोधपुर से आएगा तो वो वहां के महाराजा से परामर्श करके वो हमने लिया गया, तो रियासतों से जो किसी भी व्यक्ति को संविधान सभा में लिया गया था वो वहां के राजा से परामर्श करके लिया गया, राजा से क्या किया गया था, परामर्श करके व्यक्ति को ले लिया गया था। जोधपुर से आएगा तो जोधपुर महाराजा है वो अपना व्यक्ति भेजेगा। जुलाई 46 में संविधान सभा हेतु वापस चुनाव करवाए गए और जिसमें मुसलमानों को है वो 73 स्थान मिले, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय को 11 मिले, सिखों को वो 21 मिले थे, ठीक है। फिर 3 जून 1946 को जो 1947 को है वो माउंटबेटन योजना की गई प्रस्तुत, और इस योजना के अंतर्गत भारत पाकिस्तान का क्या होता है, विभाजन होता है। भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस माउंटबेटन योजना के तहत होता है, तो ये हो गया। वही संविधान सभा का स्वरूप किस तरह था, सांप्रदायिक आधार पर था, लीग को मुस्लिम सदस्यों को मुसलमानों ने और सामान्य को है उसने चुनने का काम किया, सिखों को सिखों ने, और फिर स्थायी अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखने का काम किया, ये आपके हो गए महत्वपूर्ण
बात बिंदु। अब आपका आगे सवाल है, आप सवाल को देखिए अच्छे तरीके से, बहुत ही साधारण सवाल है, हमने जो पढ़ा उसी में से। सवाल प्रथम बनकर आया कि भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन कीजिए। संविधान का क्या कार्य, भारत का संविधान क्या क्या कार्य करे? तो भारत के संविधान का काम होगा कि वे बुनियादी नियमों का क्या करें, समूह उपलब्ध करवाए। मैंने पहले ही बात की थी कि कार्य क्या होगा, कि ऐसे नियम उपलब्ध करवाए जिसके द्वारा क्या है, समाज में समन्वय कायम हो और विश्वास की भावना कायम रहे। दूसरा मैंने कहा कि जो संविधान का काम होगा वह समाज में जो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में होगी, तो वो कह दिया कि भाई सरकार है वो निर्णय लेने का काम करेगा। और संविधान ने कहा कि जो सरकार का जो चुनाव होगा वो किसके द्वारा होगा, जनता के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, जनता है के द्वारा होगा, यानी जनता पब्लिक है वो करने का काम करेगी, क्या, चुनाव। ठीक है, तीसरा काम जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वह था कि सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कुछ सीमा तय की जाए ताकि सरकारें कभी भी इनका उल्लंघन नहीं कर सके। चौथी बात है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाए। किसकी, न्यायपूर्ण समाज की, यानी राजनीतिक न्याय हो समाज के अंतर्गत, राजनीतिक हो फिर कैसा हो, सामाजिक हो, आर्थिक न्याय हो और फिर धार्मिक हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा धर्म के आधार पर। तो ये काम जो है वो संविधान ने किया। आगे का सवाल देखिए कि हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है। आपका सवाल है सर हमें ऐसी कौन सी आवश्यकता है, तो संविधान की क्यों आवश्यकता है, इसका आंसर होगा कि जो देश के अंतर्गत समाज में निर्णय लेने की शक्ति की कुछ विशेषताओं के लिए हमें आवश्यकता हुई कि निर्णय कौन लेगा, किस तरीके से कार्य करेगा, उसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता हुई। फिर सरकार की शक्तियों पर है वो सीमा लगाए, उसके लिए संविधान की आवश्यकता हुई। यदि ऐसा नहीं तो हम तो 5 साल में एक बार वोट देते हैं और फिर दूसरी बार वो सरकार आएगी तो किस तरीके से है वो जनता के ऊपर तानाशाही का काम करेगी, तो इसके लिए वो संविधान की आवश्यकता हुई। समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई, वो भी संविधान की। और राष्ट्र की बुनियादी पहचान हेतु हमें किसकी आवश्यकता हुई, संविधान की आवश्यकता हुई, कि संविधान के बिना है वो व्यवस्था नहीं चल सकती। फिर तीसरा सवाल है कि लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं, यानी तीसरा आपका जो सवाल है वो है कि लचीला या कठोर संविधान से क्या आशय है। लचीला व कठोर, लचीला का मतलब ये हुआ कि वह संविधान जिसमें संशोधन करना क्या हो, आसान हो, कोई बंधन आपको जोड़ना है या कोई तोड़ना है वो क्या हो, सरल हो, तो संशोधन आप सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, सामान्य बहुमत से। कठोर का मतलब हुआ कि संविधान इतना जटिल है कि उसमें कोई आपको संशोधन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होगी, विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्य, आधे से आधे से अधिक राज्यों का है वो समर्थन जरूरी। तो लचीला संविधान से आशय है कि जिस संविधान को मैं सरल प्रक्रिया से परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है उसे लचीला संविधान कहेंगे। और जिस संविधान कठोर संविधान से अभिप्राय है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे कठोर संविधान कहेंगे। और भारत का संविधान प्यारे बच्चों कैसा है, लचीला और कठोर दोनों का ही समावेश है। यानी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण से बहुमत से किए जाते हैं, लेकिन कुछ एक प्रावधान इस प्रकार के हैं भारतीय संविधान में कि उनको यदि आपको जोड़ना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए विशिष्ट आधे से अधिक राज्यों का लेना पड़ेगा। जैसे संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत वो हम क्या कर रहे हैं, संविधान संशोधन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या होगा, उसके लिए कठोर नियम अपनाना पड़ेगा, वो ये कठोरता का उदाहरण है। क्या करना पड़ेगा, आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ेगी, आधे से अधिक क्या है, राज्यों की हमें सहमति लेनी पड़ेगी, आधे से अधिक राज्यों की है सहमति जरूरी, उनके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा, वही 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंतर्गत क्या हुआ, हमारा संविधान बनकर है वो तैयार हुआ।
भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? शुरू के अंतर्गत 300 और 89 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के समय कितने रह गए? 200 और 99 वो विभाजन के समय हुए, और हस्ताक्षर हैं वो 200 और 84 सदस्य ने फाइनल रूप से हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर हैं वो 284 सदस्यों ने किए क्योंकि विभाजन हो गया था। ठीक, आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान कब पूरा हुआ? भारत का संविधान है वो शुरू होता है आपका 9 दिसंबर 1946 को, और जाकर कब पूरा होता है? 26 नवंबर 1949 को। वही सेम फार्मूला, आपके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को है वो संविधान पूरा होता है, लेकिन लागू होता है वो 26 जनवरी को होता है। कब होता है प्यारे बच्चों? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो रहा है? लागू होने का काम कर रहा है। तो ये मोटे तौर से आपकी बात है, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार मोटे तौर से है वो हमने संविधान की कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश की कि किस तरीके से संविधान है वो काम आता है, संविधान का क्या कार्य है, संविधान किस तरीके से हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, और किस तरीके से वो संविधान बनाया गया, क्या संविधान लिखित होता है, क्या संविधान अलिखित होता है। तो हमने कहा साहब संविधान एक दस्तावेज होता है कानूनी, जिनके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है, और संविधान है वो समाज के अंतर्गत व्यवस्था चलाने हेतु संविधान की आवश्यकता हुई। संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। भारत है, अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में संविधान सफल हुआ, और वहां पर सफलता का आशय की लोकतंत्र है जिसके कारण है वो सफल हुआ। हमने देखा कि संविधान किस तरीके से लिखने हेतु कैबिनेट मिशन आई भारत, और उसकी अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत कुछ है मुस्लिम तीन आधार पर तीन थे, एक तो मुस्लिमों को चुना गया, फिर है वो सिखों को, और फिर है सामान्य यानी हिंदू और अन्य जो उनके आधार पर। 10 लाख की जनसंख्या पर है एक सीट दे दी गई, और तकरीबन देखा जाए तो 93 के आसपास देसी रियासतें थी, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, उनके द्वारा संविधान बनाई, और संविधान सभा के अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की अस्थायी रूप से, और स्थायी रूप से राजेंद्र बाबू ने की, और संविधान सभा के अंतर्गत 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने है वो उद्देश्य प्रस्ताव रखे कि पूरे संविधान का उद्देश्य क्या होगा। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की समय अवधि में हमारा संविधान है वो कंप्लीट हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमने है वो संविधान लागू किया। तो इस प्रकार हमारे जो संविधान बनने की और बनाने की सारी कहानी थी वो कंप्लीट हुई। अगले चैप्टर में नए रूप से नए सिरे से मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि कुछ एक चीज़ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य टिप्पणी कीजिए, ताकि मैं आपको और उन चीज़ों को समझाऊंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।